ग्वालियर शहर से 18 दिसंबर से लापता 14 साल के छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। यह नाबालिग स्कूली छात्र अपने घर से कुछ जेवर, नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर निकला था। हैरानी की बात यह है कि यह नाबालिग स्कूली छात्र ने घर से अपनी मां की साड़ी पहनकर निकला था। परिवार के कुछ सदस्य मथुरा वृंदावन में इस छात्र को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे इस लापता छात्र के पिता ने बताया कि वह स्कूल के कार्यक्रम में कभी कभी महिला के रूप में नाटक में हिस्सा लेता था। गली के सीसीटीवी कैमरे के अलावा उन्हें कोई भी फुटेज नहीं मिले हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस से दोबारा दरखास्त लगाई है। मैं एसपी ऑफिस आया हूँ, एसपी साहब को आवेदन दिया है मैंने। किस चीज़ का आवेदन? मेरा बच्चा लापता हो गया है 18 दिसंबर से। वो बच्चा अभी तक मेरे को कोई सुराग नहीं मिला, मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली उसकी, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पे वो, किस हालात में, किस स्थिति में है वो। और घर से साड़ी पहन के निकला है वो, थोड़ा भक्ति भाव का भी था, मूर्ति भी ले गया भगवान कृष्ण की, राम की, गणेश भगवान की और कामतानाथ भगवान की, जो पीतल की मूर्तियाँ थी उनको ले गया सबको। और मेरे को कोई सुराग और कोई जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। मेरे परिवार के लोग आज भी मथुरा वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, मंदिरों में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन कोई आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। एक नाबालिग बच्चा है जो 18 दिसंबर को घर से साड़ी पहनकर एक बैग में देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखकर निकला है। उसी गली में सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपनी स्वेच्छा से गया है। इस मामले में थाना बौड़ापुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। और जैसा अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, ये मथुरा वृंदावन तरफ जाने के भी संकेत हैं। इसमें हम एक SIT का गठन कर रहे हैं और शीघ्र ही इस बालक को दस्तयाब करने का प्रयास किया जाएगा। आज इनके पिताजी भी जन सुनवाई में आए थे और उन्होंने भी अलग से एक आवेदन दिया है, मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस बालक को दस्तयाब किया जाएगा।